गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यू आर डूइंग वेल ना? ओके, सो टुडे इज़ अवर रिविजन डे एंड आज हम ए और एन इसकी रिविजन करेंगे जो मैंने आपको पहले दिया था, पर मैं इसको और थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आपको समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो. ओके, सो वेयर टू यूज़ ए एन एन? आपने याद है मैंने आपको रिविजन में ये वॉवल्स लिखने के लिए दिए थे, दिस ए ई आई ओ यू. तो दिस आर वॉवल्स, आपको सबको पता ही है दैट ए ई आई ओ यू को हम वॉवल्स कहते हैं, और इन फाइव लेटर्स के अलावा जो बाकी के रहते हैं उसको हम बोलते हैं कॉन्सनेंट्स. ये बाकी के सारे अल्फ़ाबेट्स को कॉन्सनेंट्स कहा जाता है. एंड दीज अल्फ़ाबेट्स आर बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी एंड वी डब्ल्यू एक्स वाई एन जेड. तो दिस फाइव लेटर्स आर वॉवल्स एंड दीज ऑल ब्लू लेटर्स आर कॉन्सनेंट्स. ओके, तो अब ए हम कहाँ यूज़ करेंगे और हम एन कहाँ यूज़ करेंगे? तो ये जो फाइव लेटर्स है, आप देखो ये वॉवल्स है. जो वर्ड इन फाइव लेटर्स से स्टार्ट होता है उसके आगे हम यूज़ करेंगे एन. ओके, फॉर एग्जाम्पल एग. एग का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है? ई. ओके, तो ई इज़ अ वॉवल, तो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है तो हम इसके आगे एन लगा देंगे. दिस इज एप्पल. एप्पल का फर्स्ट लेटर इज ए, तो ये तो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है तो उसके आगे हम क्या लगा देंगे? एन. अगेन फॉर एग्जाम्पल यू सी आउल. आउल का फर्स्ट लेटर इज वॉवल, दैट इज ओ, उसके आगे हम एन लगा देंगे. जो वर्ड वॉवल से स्टार्ट होता है जिसका फर्स्ट लेटर वॉवल होता है उसके आगे हम ए एन एन लगाएंगे. और जो वर्ड्स कॉन्सनेंट से स्टार्ट होते हैं जैसे कि बैग, बैग में फर्स्ट लेटर इज बी, तो ये तो कॉन्सनेंट है तो हम इसके आगे क्या लगा देंगे? ए. सिंपल. नाउ सी नेट. नेट का एन, एन इज ऑल्सो अ कॉन्सनेंट, तो ये इसके आगे हम क्या लगा देंगे? ए. तो इसी तरह से कॉन्सनेंट्स के आगे हम ए लगाएंगे एंड वॉवल्स के आगे हम एन लगाएंगे. आपको ये एक्सरसाइज आज फिर से कंप्लीट करके मुझे भेजना है. ओके, बाय बाय.